अमेरिका अपनी ये की हुकूमत की तरफ से ये पाबंदी लगाई जा रही है, मेरे ख्याल में तो ये दुरुस्त कदम नहीं है। मामलात जो हैं वो हल हो सकते हैं, मैकेनिज्म बना है, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल उन्होंने जो फैसला किया वो अपने सोच समझ के किया होगा। आई एम अनाउंसिंग टुडे दैट द यूनाइटेड स्टेट्स विल विथड्रॉ फ्रॉम द ईरान न्यूक्लियर डील। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। आज के हालात ऐसे हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के सफारतकारों पर पाबंदियां लगा रहे हैं। भारत के आर्मी चीफ पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात अभी तक ठीक नहीं हो रहे और ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से गैर यकीनी बढ़ गई है। सदर ट्रंप ने जो इकदाम लिए हैं उसके बाद ये खित्ता सलामती के हवाले से गैर यकीनी का शिकार हो गया है। ये हालात पाकिस्तान को किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, आज स्पेशली हम इन इश्यूज पर बात करेंगे। बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड और मोजिज़ पैनल मेरे साथ है, तारफ करा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में जनाब रऊफ हसन साहब, रीजनल पीस इंस्टीट्यूट के हेड हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं एम्बेसडर अयाज वजीर साहब, पाकिस्तान के सफीर रहे अफगानिस्तान में और दीगर ममालिक में। मेरे तीसरे मेहमान हैं परवेज इकबाल लोसर साहब, पाक यूरोप फ्रेंडशिप फेडरेशन के ये चेयरमैन है, ये यूरोप में मुकीम है, पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं। और मेरे चौथे मेहमान हैं नादरीन लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी, रिटायर्ड साबिक सेक्रेटरी दिफा। चारों मेहमानों को रूबरू में खुश आमदेद। नॉन नेटो मेजर एलाय एक वक्त के, और वो कहते थे द मोस्ट एलाइड कंट्री टू यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान। ये क्या हुआ है कि अचानक अब एक दूसरे के सफीरों पर पाबंदियां लग रही हैं? एक्सपेक्टेड था, बड़ी देर से इसकी बातचीत हो रही थी। और चूंकि अमेरिका पाकिस्तान से जो अहदाफ, पाकिस्तान के थ्रू जो अहदाफ हासिल करना चाह रहा था वो नहीं हो रहे थे, कंसिक्वेंटली बहुत पहले से हम लोगों ने कहा था, बल्कि आपके भी मेरे ख्याल एक दो प्रोग्राम्स में डिस्कस हुआ था कि थ्री डिफरेंट लेवल्स के ऊपर उनका प्रेशर आ सकता है। इकोनॉमिक फ्रंट्स के ऊपर प्रेशर आ सकता है जो आएगा, और टेरर के कॉन्टेक्स्ट में वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ा सकते हैं, वो भी आया भी है और फर्दर भी आएगा, और ड्रोन स्ट्राइक्स जो हैं वो एक्सपेंड कर सकती हैं। ये जो सिचुएशन इस वक्त बनी है ये अनप्रेसिडेंटेड है एब्सोल्युटली, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में दो और ममालिक हैं पाकिस्तान के अलावा जिनके ऊपर इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक नॉर्थ कोरिया है और एक ईरान है। सो पाकिस्तान इस वक्त थियोरेटिकली स्पीकिंग उन दोनों के साथ ब्रैकेट हो गया है, बींग ए नॉन नेटो एलाई, सिमल्टेनियसली वो अमेरिका का नॉन नेटो एलाई है। जो चीज़ मैं फील करता हूँ, दो बातें करूंगा, एक तो यह है कि जी इस वक्त पाकिस्तान की जो रीजन में सिचुएशन है और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में सिचुएशन है, उस वक्त पाकिस्तान को अब टेंशन को डी एस्केलेट करना चाहिए, फर्दर एस्केलेट नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म का रिबटल हमारी तरफ से आया है इससे ये फर्दर एस्केलेट होंगी और डी एस्केलेट नहीं होंगी, नंबर एक बात। नंबर दो, दोनों तरफ से डी एस्केलेशन की एफर्ट नहीं होगी। एंगेजमेंट तो है, बैक चैनल के ऊपर एंगेजमेंट मौजूद है, लेकिन एक लेवल के ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ाता जा रहा है अमेरिका। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शौकत साहब, जो मैं बात करना चाहूंगा और मेरा ख्याल आपके बाकी मेहमान भी इसके ऊपर करें, कि जो लेटर इशू आया हुआ है जो फॉरेन ऑफिस से आया है, इसमें जो पाकिस्तान ने अमेरिका को मराआत दी हुई थी वो अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि एक तो बगैर हम 10 लाख रुपए 20 रुपए दे के पूरे पाकिस्तान ने सिम कार्ड अपने वेरीफाई करवाए, उनको बगैर आइडेंटिफिकेशन के सिम कार्ड मिले। इसके अलावा देखिए कि पाकिस्तान सेफ हाउसेस हमने चलाने, देखिए रेडियो कम्युनिकेशन है, सेफ हाउसेस चलाना है, और उनका तमाम जो सामान आता है वो स्कैनिंग से बाला था, वो स्कैन नहीं होता था सब कुछ। मेरा सवाल जो इस वक्त ये है आपकी फॉरेन ऑफिस से भी और आप रियासत के जो हुक्मरान हैं उनसे भी और जो अस के भी हुक्मरान रहे हुए हैं, कि वो क्या मुहरकात थे जिसकी बेसिस के ऊपर आपने आपने अपनी सॉवरेंटी का लिहाज, बहुत वैलिड पॉइंट उठाया जनरल साहब की, जब बारी आती है यही सवाल मैं उनसे पूछूंगा। एम्बेसडर साहब, बैक चैनल हो या फ्रंट चैनल हो, उनका सफारतखाना भी खुला है, हमारा सफारतखाना भी खुला है, उनके एम्बेसडर भी मौजूद हैं, हमारे एम्बेसडर भी मौजूद हैं। ये डिप्लोमेसी तो मसाइल हल करने के लिए होती है, क्या डिप्लोमेसी का ऑप्शन खत्म हो गया और अब इस क्वेश्चन को एज अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी चलाया जा रहा है? नहीं, सफारतकारों का रोल कभी भी खत्म नहीं होता, खा इवन अगर खुदा न खास्ता जंग भी किसी मुल्क के अंदर आपस में हो जाए, उनका काम चलता रहता है।
इसलिए तो वियना कन्वेंशन के अंदर सारे इम्यूनिटी है, सारे ममालिक ने मिल बैठ के ये एग्री किया है कि एक दूसरे के डिप्लोमेट को फैसिलिटेट करेंगे ताकि वो अपना काम आराम से कर सके। तो जो फैसिलिटी आपके डिप्लोमेट को मैं दूंगा उसी तरह फैसिलिटी मिलेगी मैं आपको, आप देंगे, एग्जैक्टली रेसिप्रोकल है। तो ये जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है इसमें मैं समझता हूँ कोई गलत काम नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। मेरा सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान ने अच्छा किया या गलत किया। उधर आता हूँ लेकिन एक बात साफ करता हूँ कि पाकिस्तान ने बिल्कुल रेसिप्रोसिटी वाला जवाब दिया है। इसी तरह हिंदुस्तान के काउंसल जनरल के साथ उन्होंने न्यूयॉर्क में कुछ इस तरह हाथ किया था, ये हैरेसमेंट हुई थी किसी उन्होंने की एग्जैक्टली उनके सफीर के साथ दिल्ली में कर लिया। तो अमेरिका सरकार ने माजरत करके मामला साफ किया, ये तो इसका किस्सा है। लेकिन यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए थी। मैं यही तो मेरा सवाल है कि क्या इट्स अ फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी? नो, इट्स अ फेलियर ऑफ द सिस्टम दैट वी आर फॉलोइंग। अगर ट्रंप साहब की तकरीर याद हो अगस्त वाली और फिर उसका ट्वीट जो तीन बातें की रऊफ साहब ने जिक्र कर लिया, उन्होंने तीन बातें आपको कुल के कह दिया सुधर जाओ वरना मैं इकोनॉमिक आपके सैंक्शन की तरफ जाऊंगा, हो गई असिस्टेंस रोक दी, डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज लग गई और मिलिटरीली भी आपके खिलाफ एक्शन, खा वो हमला करना हो एक जगह पे या ड्रोन के थ्रू मारना हो। तो ये तीन ऑप्शन उसने कुल के कहे थे और उस पर अब एक से एक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। लेकिन साथ में आपके साथ इंगेजमेंट की पॉलिसी भी रखते हैं। अगर याद हो ये जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है खातून एलिस वेल दो तीन बार अभी पिछले बहुत तेजी से आती है, बहुत तेजी से आती जा रही है। एक बार तो एक हफ्ता पूरा रही है, पूरा रही है, कराची भी गई है फिर वापस आई है। एग्जैक्टली, लेकिन आई मीन उसके आने जाने का ये फायदा जरूर हुआ कि अफगानिस्तान के फ्रंट पे थोड़ी सी पेशरफ्त हमारी तरफ से भी हुई है। वी हैव बिकम अ लिटिल मोर पॉजिटिव और अफगानिस्तान हुकूमत भी तालिबान को जो ऑफर दी है मैं समझता हूँ ये उन एफर्ट्स का जो हमें थोड़ा सा ऐड कर दूं आपकी बात में कि पीर के रोज अफगानिस्तान का एक अला सतही वफ्त आ रहा है पाकिस्तान, हिकमत करजाए जो डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी सरबराही में, और वो जो वर्किंग ग्रुप्स बने हैं दोनों मुल्कों में अफगानिस्तान पाकिस्तान प्लान फॉर पीस एंड सॉलिडेरिटी, उसी के वर्किंग ग्रुप्स का इजलास है। लोसर साहब, आप यूरोप में रहते हैं, आप मूव भी करते हैं, ब्रसल्स भी जाते हैं, आप नेदरलैंड भी जाते हैं, आप फ्रांस भी जाते हैं। यूजुअली माजी में यही रहा है कि जो अमेरिका स्टेप्स लेता है वो यूरोप उसको फॉलो करता है। जो स्टेप्स अब अमेरिका ने लिए, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की और पाकिस्तान ने रेसिप्रोकेट किया, यूरोप के मामले में क्या रीडिंग है आपकी? क्या यूरोपियन मुमालिक इंक्लूडिंग द यूके द ब्रिटिश गवर्नमेंट वो भी इसी तरह फॉलो करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया मेहमानों को। ये जो आपने बात की कि यूरोप का जो अमेरिका कर रहा है, अभी तक यूरोप में ऐसा कोई एक्शन नहीं हुआ है और उसकी रिसेंटली एक मैं मिसाल आपको देता हूं, जीएसपी प्लस का स्टेटस दोबारा हमें मिला। इस पे जब हमने पहले ये स्टेटस लिया पाकिस्तान के लिए तो उस वक्त हमें हमारे तारिक फातमी साहब अम्बेसडर थे जब हमने ये शुरू किया था, अभी 2004 में तारिक फातमी साहब ब्रसल में थे। अभी जब दोबारा हमने स्टेटस किया हमारे हमसाये ने और हमारे हमसायों के साथ मिलकर, हमसाये से मिसाल इंडिया है, इंडिया ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि यह स्टेटस हमसे वापस लिया जाए और उसके साथ दुनिया की कुछ और भी ताकतें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद यूरोपियन यूनियन ने हमें वो स्टेटस दिया। इसका मतलब यह है कि यूरोप ने अभी तक जो अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाना चाहता है या लगा रहा है या सफारतकारों के साथ कर रहा है, अभी तक यूरोप में कोई ऐसी चीज नहीं है। और यूरोप में जो हमारे सफारतकार हैं, अभी जो थोड़ी देर बाद पहले हो रही थी, सो फॉलो नहीं कर रहा यूरोप, अभी इसी नुक्ते फिर ये। जनरल साहब, बड़े सारे सवालात आपके लिए इकट्ठे हो गए। जो मेन क्वेश्चन रऊफ हसन साहब कर रहे हैं कि काम दी ए बे निशो
हमने ये इतनी कंसेशन दी हुई थी अमेरिका को कि आज हम वापस ले रहे हैं, मसलन वो रेडियो ट्रांसमिशन अपनी रेजिडेंस से कर सकते हैं, वो गाड़ी अगर डिप्लोमेटिक है तो उसको नॉन डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लग सकती है, कोई अनस्पेसिफाइड जो कि इस नोट वर्बेल में लिखा है अनस्पेसिफाइड व्हीकल है उसको डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लग सकती है। ये जनरल साहब क्यों हमने कंसेशन दी थी, किस कानून के तहत कंसेशन दी थी? रऊफ हसन साहब का सवाल है। जी जी, इससे बढ़कर दो बातें और भी ऐड कर दें कि जितने उनके सफारती लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे ख्याल हमारे उससे एक चौथाई भी नहीं है वहां पर। जितनी बड़ी एम्बेसी, जितने एरिया एकड़ में फैली हुई एम्बेसी उनकी है, वो शायद हमारा उसका अशरे अशीर भी नहीं है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान से रेस्ट एंड रिक्रिएशन के नाम पर कुछ अफगानिस्तान से फौजी आके यहाँ रेस्ट भी करते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक बात। ये हम अपनी स्क्रीन पे वो कंसेशन दिखा भी रहे हैं, अपनी स्क्रीन पे वो कंसेशन दिखा भी रहे हैं जो अमेरिका को दी थी, और कल जो विथड्रॉ थी पाकिस्तान। अयाज वजीर साहब ने कहा कि ये सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो मैं इससे अग्री करता हूँ। बात ये अमरीकी क्या करते हैं, अमरीकी ये करते हैं कि वो आपके चंद एक जो बड़े लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं कोई किसी को अलग नहीं कर रहा, सियासतदान या फौजी जो भी है, जी। वो आपके चंद एक बड़े लोगों को या खरीद लेते हैं, या उन पे प्रेशर डाल लेते हैं, या उनसे दोस्ती गांठ लेते हैं, या उनको एक गलत इंप्रेशन दे देते हैं कि जी हम आपके साथ हैं, और उनसे ये तमाम मरात और तमाम सिस्टम वो एक साइड पर हो जाता है जिसके थ्रू ये सारे काम होने चाहिए। एक निजाम होता है भाई। जनरल साहब एक गुजारिश है, जनरल साहब हमने 50s में ऐसा किया जब हम अमेरिका के साथ बायलैटरल डिफेंस सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया, फिर यही हुआ। फिर हमने 80s में यही किया जब हम फिर अफगानिस्तान में अमेरिका के मामे बन के वहां पहुंच गए, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में हुआ, फिर बाद में चलता रहा। हमने सबक नहीं सीखा तारीख से, लंबी कहानी है, तारीख से सबक नहीं सीखा है। ये तो सिर्फ इसी शोबे में हमने सबक नहीं सीखा, बाकी शोबों में भी नहीं सीखा। हमने अपने लोगों को पानी पिला दिया, हमने अपने लोगों का मेडिकल का इंतजाम कर दिया, हमने अपने लोगों को इंसाफ दे दिया, तो क्या बात करते हैं। मुझे एक और बात करने दें अगर आप इजाजत दें तो। जी प्लीज जनरल साहब, प्लीज। बात यह है कि जब अमरीका ने साफ तौर पर अपने स्ट्रेटेजिक रिव्यू में कह दिया है कि अब हमारा मुकाबला चीन और रूस से है, और आप चीन और रूस को इंडियन ओशन में रास्ता दे रहे हैं सी पैक के थ्रू, ग्वादर की बंदरगाह बना के शायद और बंदरगाहें भी बनाएं, वार्म वाटर तक रसाई दे रहे हैं, डिप्लोमेसी क्या करें? ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट जब इतना क्लैश कर जाए या क्रॉस कर जाए, देयर इज अ लिमिट ऑफ डिप्लोमेसी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम गलत कर रहे हैं। देखिए, जब दुनिया की एक सुपर पावर और इस रीजन की एक बड़ी पावर हिंदुस्तान आपस में एका कर ले कि हमने पाकिस्तान को या पाकिस्तान की फौज को सबक सिखाना है, तो एक बहुत बड़ा इंबैलेंस पैदा हो गया है, पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक। अभी पर फोर्स हमने उस इंबैलेंस को रिस्टोर करना है, तो ये जो भी हम जा रहे हैं चीन के साथ और गहरी दोस्ती कर रहे हैं, रूस की तरफ जा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि हम बहुत ले तो लाल से काम ले रहे हैं, लेकिन हमें ईरान के साथ भी अपने ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे, तुर्की के साथ ताल्लुकात गहरे करने पड़ेंगे। साहब इसी नुक्ते पे रुकिएगा, मैं मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ये जो आपने रूस और चीन की बात की, आज मियां नवाज शरीफ को कोट किया हुआ है डॉन अखबार ने, सिरिल अलमेडा की स्टोरी है, मैं आपकी तवज्जो उस पर लेके आऊंगा। लेकिन नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये जो अमेरिका के साथ हमारा माहौल बनाए, इसकी हमारे ऊपर इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा है। ईरान के साथ अमेरिका का फड्डा होने वाला है, इसराइल पहले ही शाम में मिसाइल मार रहा है, हमारे लिए इम्प्लीकेशन क्या है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो कुछ आजकल हो रहा है और उसकी इम्प्लीकेशन क्या है पाकिस्तान के लिए। बड़ी डेवलपमेंट है ये, अगर मादी का इत्तहादी जिससे वेपन्स भी हम लेते रहे, जिस पे इकोनॉमिक डिपेंडेंस भी रही, IMF, वर्ल्ड बैंक उन्हीं के जेरे असर है, ये सारा सिस्टम हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं। ये तो जो नोटिफिकेशन इशू है, नोट वर्बल गया है अमेरिकन एम्बेसी को, इसकी सटल इंप्लीकेशन है इस रीजन में हमारी को एग्जिस्टेंस के हवाले से। कि मसला जो है सारा कुछ जो मैं बात करना चाह रहा था एक्चुअली, कि जी वो हम कहते हैं ना कि जी वो ड्रोन अटैक करेंगे, लेकिन जो हमारे
पाकिस्तान के अंदर से जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं अपने ऊपर, वो मेरा ख्याल है कि उनको अमेरिकन को उसके बाद ड्रोन अटैक्स करने की जरूरत नहीं है। जिस स्टोरी का अभी आप ब्रीफली रेफर कर रहे थे कि आज वो डॉन में आई हुई है, और उसमें जो हमारे फॉर्मर नॉट डिस्क्वालिफाइड प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा है पाकिस्तान की फौज के बारे में और पाकिस्तान की रियासत के बारे में, वो एक आई ओपनर है। क्या उसके बाद अमेरिका को कोई जस्टिफिकेशन चाहिए कि वह पाकिस्तान को डैमेज करे? उन्होंने यहां तक कहा है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो टेररिस्ट को हार्बर कर रही है। ये वहां अल्फाज हैं उनके जो कि उस स्टोरी में, फ्रंट पेज स्टोरी में कोट किए गए हैं। मैं इसकी राइट एंड रॉन्ग के कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा नहीं है, नवाज शरीफ ने यह कहा है कि मुंबई अटैक वाला वो भी उन्होंने कहा है कि हमने वहां बंदे भेजे, ये भी उन्होंने कहा है कि वाइंड अप क्यों नहीं हो रहा जी। प्रॉब्लम ये है ना कि जी वो सब कुछ, जब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो स्टेट सीक्रेट्स है, अगर कोई स्टेट सीक्रेट्स है उसकी क्लॉज में ही स्वोन टू गार्डिंग देम, अगर वो बात करना शुरू कर दिया उसने, शायद फिर इसीलिए उन्होंने कहा था कि मेरे सीने में बड़े राज हैं, मुझे मजबूर ना किया। प्रॉब्लम है कि क्या आपका जो स्टॉक है वो जो कि आपके मुल्क को रूल करता है वो इतना नहीं, वैसे तो मियां नवाज शरीफ को यह भी सोचना चाहिए कि उन्होंने कर्नल पुरोहित को बिल्कुल ही बेल आउट कर दिया, उन्होंने असीम आनंद को निकाल दिया। सो इम्प्लीकेशन, अगर मेरी बात आप थोड़ी सी हो लेने दें, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जी आपने अगर मुल्क को चलाना है, अगर आप सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिस्टम कौन चलाता है? सिस्टम लोग चलाते हैं। और अगर आपका जो लोगों का स्टॉक है वो इतना लोली है कि जी आप, जबकि आप इस वक्त आपकी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू हुआ है, तो आपने रियासत को धमकी देनी शुरू कर दी है कि रियासत है पाकिस्तान कि मैं आपके ये राज पाश करूंगा। क्या ये इसी नुक्ते है उस शख्स इसी नुक्ते क्या ये बंदा डिजर्व करता है इसी नुक्ते साहब आपकी तरफ आऊंगा। बात हम कर रहे थे कि तीनों बार हमने गलतियां की, इतनी बड़ी कंसेशन दी हमने, जनरल साहब की बात दुरुस्त है कि बाकी क्या हमने काम किए, पानी दिया हमने, तालीम दी हमने, लोगों को रोटी कपड़ा मकान दिया, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है वो है अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात। ये इतनी बड़ी कंसेशन हमने दी? देखिए, कंसेशन तो इसलिए आपने दी कि जैसे जनरल साहब ने कहा, मैं उस बात को बिल्कुल तायद करता हूं कि अमेरिका बहुत होशियार, अपने इंटरेस्ट के लिए बहुत सही कदम अपने एंगल से उठाते हैं। आपके यहां जो आदमी उस जगह पे बैठा है जहां से उनका काम होता है, खा वो आपका सबसे बड़ा सदर, वजीर आजम या नीचे चपड़ासी तक, उसके साथ रवाबित तय कर लेते हैं, फिर उसके थ्रू आप उनका काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप शुरू कर ले बड़ा बेर बेस से, पुरानी बात है, 58 में जब बड़ा बेर बेस गिराया गया था, आपने दिया था जी हाँ, आपने क्या पाया? वर्ल्ड वॉर में दिया था, मास्को ने पेशावर के ऊपर रेड सर्कल लगाया, वी विल वॉश आउट द सिटी फ्रॉम द मैप ऑफ द अर्थ, एग्जैक्टली। फिर लेकिन हम बात तो नहीं आए, फिर जिया साहब जब आ गए, उन्होंने क्या किया? पूरा बॉर्डर आपका खोल दिया अफगानिस्तान के साथ, आपका ड्यूरेंट लाइन या बॉर्डर मेरे ख्याल में उस वक्त रहा ही नहीं, जो भी आता था जाओ आओ, न वीजे की जरूरत है न बॉर्डर की जरूरत है, चलते जाओ अफगानिस्तान फतह करते जाओ, ये आपकी पॉलिसी रही। तीसरा जो ये आ गया जो दुबई में बैठा है, इसने तो पाकिस्तान को सारा बेच ही दिया मेरे हिसाब में, तो आपकी तो कोई पॉलिसी है ही नहीं, आई एम सॉरी टू से। एक पॉलिसी को पकड़ो, नवाज शरीफ खा आप पसंद करे ना पसंद करे, तीन मरतबा वजीर आजम रहे हैं, उनको स्टेट सीक्रेट हम सबसे ज्यादा मालूम है। अगर वो गद्दार था, खुदा ना खास्ता, जो भी कई लोग कहते हैं वो ये हिंदुस्तान का एजेंट है फलाना कर रहा है, तो ये तीन साल उसको वजीर आजम ही क्यों करने दी? फिर पहले उसके ऊपर कंप्लीट नहीं किया, ये तलख हकीकत 93 में कंप्लीट किया, 99 में कंप्लीट किया। देखो उसी की तरफ आ रहा हूँ, खान नवाज शरीफ साहब हो, खान मुशर्रफ साहब हो, खान जियाउलहक साहब हो, सिस्टम के अंदर, या जरदारी साहब हो, एक सिस्टम के अंदर काम करे। जैसे मैंने पहले शुरू में वियना कन्वेंशन की बात की, सारी दुनिया मानी है डिप्लोमेटिक प्रिविलेजेस को, इसी तरह आपके हुकूमत का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के ऊपर चलाएं, खा उस कुर्सी के ऊपर शौकत बराचा बैठे या तो सिस्टम, अगेन सिस्टम। परवेज साहब, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, यूरोप का एक की रोल है ओपिनियन बनाने में भी, दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज है उसके हवाले से भी, यूरोपियन जहां आते हैं पाकिस्तानी वहां जाते हैं, और बहुत बड़ा डायस्पोरा है, आप भी उसी में शामिल हैं, इस हवाले से इन डेवलपमेंट्स की कोई तो परसेप्शन बनती है यूरोप में, यूरोपीय ममालिक में। आपके तो मैंने देखे हैं फोटो पार्लियामेंटेरियन के साथ भी, ईयू मेंबर्स के साथ भी, यूपी मेंबर्स के साथ भी। मैं आपको एक बात, ये जो हमारे ममान ग्रामी हैं,
अभी हम माजी की गलतियों को अगर बार बार दोहराते रहेंगे, अभी सबसे ज्यादा जो भी हम टीवी पे वहां बैठकर देखते हैं कि सियासतदान जो हैं एक ही काम पे लगे हुए हैं, मुख्तलिफ तरीकों से अपनी फौज को पैक कर रहे हैं। अभी मसला सबसे बड़ा यह है कि हमें सबसे पहले जब अगर अमेरिका हमारे खिलाफ उठ खड़ा हुआ है या अमेरिका के साथ हमारे हालात खराब हुए हैं, सबसे पहले अपने घर को हमें ठीक करना है, आपस में एक होकर हर चीज का जवाब देना है। अभी आपने कही यूरोप की बात, यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबरों को हम मिलते रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं, वो पाकिस्तान की विजिट के लिए भी आने के लिए तैयार है। अभी रिसेंटली मैं स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर से मेरी मुलाकात हुई, तो पहली बार मैंने सदर आजाद कश्मीर को वहां ले गए। यानी जरूरत इस बात की है हम यूरोप के साथ अपने तल्लुकात को मजीद बढ़ाएं और फ्रंट अपने जो जाती खिलाफ है इनको घर के अंदर रखें। अगर हम ही अपनी फौज के खिलाफ अपनी फौज को अभी मैं वो बात खुल के कह देना चाहता हूं, अगर ये जो हमारी नेशनल पार्लियामेंट में अचकजई मॉडल है, अगर यही अमेरिका इंडिया की पार्लियामेंट में मुझे करके को दिखाए। पीटीएम जो है ये आजकल यूरोप में पाकिस्तान के झंडे जला रहे हैं, बानिए पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, कायदे आजम को गालियां दे रहे हैं, इनके पीछे जो लोग हैं वो इस मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। बात सिर्फ ये है कि हम बैठकर ब्लेम गेम तो कर रहे हैं, फॉरेन ऑफिस कुछ नहीं कर रहा है। ब्लेम गेम खत्म होनी चाहिए। जल साहब आपकी तरफ आऊंगा, मैं सवाल छोड़ देता हूं क्योंकि ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जल साहब आपका जवाब लेंगे। जितना पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं उसका डायरेक्ट बराह रास्त एडवांटेज मिल रहा है इंडिया को। इंडिया ने हमारे पैरा फ्री में अपने पैर जमाए हुए हैं। मसलन ईरान की बात आप भी कर रहे हैं, उन्होंने तो एक समिट की थी जिसमें चाबहार को इंडिया डेवलप करके अफगानिस्तान के लिए दे रहा है, उनको अफगानिस्तान में डेवलपमेंट की जितनी पार्टनरशिप इंडिया किया किसी और की नहीं है। आज अमेरिका नाराज होता है, अमेरिका हमसे दूर होता है, या वाइस वर्सा हम अमेरिका से नाराज होते हैं, हम अमेरिका से दूर होते हैं, तो बराह रास्त इसका एडवांटेज तो इंडिया को मिलेगा। ब्रेक के बाद जनरल साहब आपकी राय चाहूंगा। नाजरीन ब्रेक लेते हैं। रमजान डे फ्रेश लाया लीटर बैग पे 15 रुपए और लीटर कार्टून पे 180 रुपए की शानदार बचत। मार्क सुजुकी प्रेजेंट्स सुजुकी फाइनेंस अरेंजमेंट प्रोग्राम, जहां 4 इजी स्टेप्स में नई गाड़ी खरीदें, अपनी नई सुजुकी सेलेक्ट करें, अपना मोड ऑफ फाइनेंस चूज करें, डिसाइड योर इंस्टॉलमेंट प्लान, फिर फॉर्म भरें और अप्लाई करें। रेगुलर प्रोसेस अपडेट्स के साथ साथ लो मार्कअप रेट्स, फास्ट लोन प्रोसेसिंग, प्रायोरिटी डिलीवरी और फ्री थर्ड ईयर वारंटी भी। अपनी नई गाड़ी के लिए सुजुकी फाइनेंस अरेंजमेंट प्रोग्राम की वेबसाइट विजिट करें या 1-888-9854 पर कॉल करें। सुजुकी वे ऑफ लाइफ। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के इर्द गिर्द और इर्द गिर्द से बहुत दूर के माहौल के हवाले से। जनरल साहब ब्रेक से पहले मैंने आप पर एक सवाल छोड़ा था, आपकी राय जानना चाहूंगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने इम्पैक्ट की बात की। देखिए बात यह है कि पहले हमें एक चीज समझने की जरूरत है, एक सुपर पावर है और वो इस वक्त अभी तक लोन सुपर पावर है, वो अपनी सुपर पावर स्टेटस को लंबा करना चाह रही है। वो उसको मालूम हो रहा है कि और सेंटर्स ऑफ पावर उठ रहे हैं, चाइना है, रशिया है, बाद में जर्मनी ब्राजील वगैरह आ सकते हैं, तो वो अपने उसको प्रोलॉन्ग करना चाहती है, एक बात समझने की है। दूसरी बात ये है कि ये बड़ी ताकतें कभी भी जंग अपने इलाकों में नहीं लड़ती। उसने क्लियर कर दिया आपको कि मेरी कंपटीशन इस वक्त चीन और रूस के साथ है, रूस और चीन आपके पड़ोस में है, वो यहां से गुजरने के बारे में भी सोच रहे हैं, तो आप बड़ी बड़ी टाइट पोजीशन में हैं। मेरा इसका अगर आप पूछें कि हल क्या है मेरी नजर में, मेरा तो जनरल साहब मेरा क्रक्स ये था कि जितना हम अमेरिका से दूर हो रहे हैं उसका बराह रास्त फायदा भारत को हो रहा है, और भारत ने ईरान को वो किया हुआ है, भारत ने अफगानिस्तान को वो किया हुआ है। जी मेरी बात, मैं ये इसी तरफ आ रहा था। बात ये है कि हमें हमारी लीडरशिप को चाहिए पॉलिटिकल भी और मेरे ख्याल मिलिट्री भी, कि सीधा भारतीय अवाम और भारतीय लीडरशिप को एक चीज की अपील कर दे एज ए लास्ट रिजॉर्ट, और वो ये है कि आप और हम, यानी कि भारत और हम, ये इस बड़ी गेम का हिस्सा ना बने, इसमें हम मोरे ना बने, और हम कोई छोटे मुल्क नहीं है, हम आपस में अपने मसाइल हल करें
और ये इस इलाके में बड़ी ताकतों को अपनी गेम ना खेलने दे, अगर तो बात उनकी समझ में आ जाए तो ठीक, वरना आप ये समझें कि हम बस एक ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं जिससे हमारा निकलना तो बहुत मुश्किल है। अलबत्ता मुकाबला करने के लिए हमें वो जैसे मैंने कहा था बैलेंस रिस्टोर करने की जरूरत है और जल्दी से अपना हिसाबता जो ना सीधा करने की जरूरत है। चीन और रूस का आप ऑप्शन दे रहे हैं जनरल साहब, चीन और रूस की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया और जितने एग्रीमेंट्स हो गए हैं, वो तो लग रहा है कि अब इंडिया की तरफ चीन का भी टिल्ट जा रहा है। जी, देखें ये तो दुनिया में, ये तो मैं तो हमेशा ये कहता हूं, देखें आप जो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं अभी अमेरिका और चीन का आपको पता ही है, लेकिन कितने आराम से तजारत करते हैं हिंदुस्तान के साथ वो, हम में भी इस किस्म के काम करने की इसमें कोई हार नहीं है। लेकिन बात ये है कि जब हिंदुस्तान, और ये भी मैं आपको बता दूं कि अमेरिका खुद डायरेक्टली पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, उसका जरूरत नहीं है, मेरे भाइयों ने उसका जिक्र भी कर दिया है, अगर कुछ हुआ भी मिलिटरली तो वो हिंदुस्तान करेगा उनकी शह पर, इसलिए कि वो इसी चक्कर में अपने कश्मीर का मसला हमेशा के लिए हल करना चाहता है, इससे अच्छा मौका उसको कभी नहीं मिलेगा। जनरल साहब इसी नुक्ते पे, इसी नुक्ते पे रुकिएगा, जनरल साहब कर रहा है, इसी नुक्ते पे रुकिएगा, आप तो रीजनल पीस इंस्टीट्यूट के हेड हैं, आप तो मिलते भी हैं लोगों से। जनरल साहब ने बड़ी बात कर दी कि इंडिया को बराह रास्त हम एड्रेस करें कि भाई बड़े मुल्कों की गेम में हम ना आए, इधर भी डायलॉग नहीं है, ट्रैक टू भी रुका हुआ है, अभी बड़ी मुश्किल से एक निमराना डायलॉग हुआ था 2 दिन का, अदरवाइज तो आना जाना कम है, मेडिकल वीजा इंडिया ने बंद किया हुआ है। तो अगर एक्सटर्नल थ्रेट दूर का थ्रेट है तो रीजन में भी हमारी कोई ज्यादा से तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी, जो जनरल साहब ने बात की मेरा ख्याल है कि मामला उससे बहुत आगे जा चुके हैं। ये जो बात उन्होंने फरमाई, अगर ये बात हम उस वक्त करते जब हम सीटो और सेंटो ज्वाइन कर रहे थे तो ये बड़ी मुनासिब बात थी, ये उस वक्त करते जब हमने हिंदुस्तान अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़े थे तो उस वक्त भी बड़ी रेलेवेंट बात थी। माजी अब जैसे वो कह रहे हैं कि आपसे माजी की जो आपकी गलतियां हैं उसी की वजह से आप यहां पहुंचे हैं, आप इस जिस नहज के ऊपर आज खड़े हैं, आज पाकिस्तान का जो मकाम है जिसका आपने बड़ी करेक्टली डिफाइन किया है कि हम रीजन में आइसोलेशन का शिकार हैं, दुनिया में को हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, हम दुनिया की स्कैनर के नीचे हैं, हम टेरर के जो हब के तौर के ऊपर पहचाने जा रहे हैं, इकोनॉमिकली हम क्रिपल हो चुके हुए हैं और कोई हमारी दोस्ती का भरम नहीं रखना चाहता। और चीन के बारे में जो आपने खदशात का इजहार किया, मैं बहुत देर से ये कह रहा हूं, खदशात नहीं है, मेरी जो जिस तरह से इस्तकबाल हुआ है, मैं तो मेरे लिए आई ओपनर था। मेरी कंटेंशन हमेशा से रही हुई है कि ये पाकिस्तान हर अपने आप को जगह से आइसोलेट करके सिर्फ चीन की गोद में बैठ गया है, ये ना फॉरेन ऑफिस ना जो वो और जो दूसरी पावर्स हैं पाकिस्तान में जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करती हैं, ये कोई क्रेडिबल पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं है। रियासत के पास हमेशा पॉलिसी फॉर्मुलेशन लेवल के ऊपर, जो आप साहब से पता भी कर लीजिएगा, लेयर्स होती हैं कि आपके पास ये भी लेयर है, ये भी ऑप्शन है, ये भी लेयर है, ये भी ऑप्शन है, हमारे पास इस वक्त लेयर है ही नहीं है, ऑप्शन मौजूद ही नहीं रहा, हम जहां फंसे हैं जिस बंद गली में हम फंसे हुए हैं वहां से निकलेंगे कैसे? ये मुझे सबसे बड़ा क्राइसिस लग रहा है और उसमें सबसे ज्यादा जो कसूर है वो हमारा अपना है। और इधर ही रुकिएगा अंबेसडर साहब, बात जनरल साहब ने बड़े पते की है, जनरल साहब की बात पता नहीं कितने लोग नाराज होंगे और कितने खुश होंगे मुझे नहीं इल्म, लेकिन बात उन्होंने पते की है कि इस रीजन में हम अपनी जगह बनाए, उनकी प्रपोजल जनरल साहब कीजिए, साबिक सेक्रेटरी दिफा हैं वो, कि भारत को रीच आउट करें, हम तो तनाव में हैं भारत के साथ, हमारे LOC पे जितनी फायरिंग हुई है अभी पिछले साल और इस साल तक तारीख में इतनी नहीं हुई, शुपिया में जिस तरह कत्लेआम कश्मीरियों का भारतीय अफवाज ने किया है, वो क्या हमारे साथ डायलॉग पे राजी होंगे? इस बार हमारा इस साल इलेक्शन है, उनका तो अगले साल इलेक्शन है, 2019 में उनका इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले मोदी इतना बड़ा रिस्क कैसे ले रहा? हमारे लिए ऑप्शन जैसे कह रहे हैं, ऑप्शन आर रनिंग आउट फॉर अस। देखिए, हमें ऑप्शन कई आ गए थे जिसके अंदर हम हिंदुस्तान के साथ शायद मेरे ख्याल में अपना उल्लू सीधा कर सकते थे, लेकिन हम वो गंवा बैठे। अफगानिस्तान में जब सोवियत यूनियन आ गया, अमेरिका को आपकी इंतहाई सख्त जरूरत थी, आपने सिर्फ अपनी लीडरी पक्की करने की बात कर ली। उस वक्त अगर अमेरिका से आप कश्मीर की बात करवाते कि हिंदुस्तान पर थोड़ा प्रेशर डाल दो, अमेरिका के बड़े लंबे हाथ हैं, आपने वो गंवा दिया। दूसरी बात 9/11 के बाद
अगेन आपकी सख्त जरूरत थी, आपने वही गेम खेला जो पहले जिया खेलते थे, अपनी लीडरी चमकाने के लिए पाकिस्तान के मफाद या हिंदुस्तान के साथ कश्मीर का मसला अमेरिका के थ्रू लाने में आप फेल हो गए। ये चांसेस आते हैं, मिलते हैं। वो तो अब, जनरल परवेज मुशर्रफ तो 4 पॉइंट फार्मूला लेके आए थे। वो तो बदकिस्मती है कि उसने आपके यूएन वाला भी पीछे रख दिया उसने। अब आप जिस जगह खड़े हैं इसमें दो ऑप्शन मेरे ख्याल में है। पहले तो आप घर के अंदर अपनी पॉलिसी चलाने पे हर मकतबा फिक्र, मैं वो एक खास लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, हर वो लोग जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कम से कम फॉरेन पॉलिसी पे इकट्ठे बैठ के फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा सा ठीक कर ले। अगर वो अलग अलग चला ले या एक चौधरी निसार अली खान ने अभी 3 दिन पहले यही प्रपोजल दी थी कि वजीर आजम साहब बुलाएं सबको, बल्कि उन्होंने कहा था अगर एनएससी में ये मामला रखना पड़ता है तो रखें। नहीं, अगर वजीर आजम साहब को भी हुक्म कहीं से मिलता है कि आपने ऐसे करना है तो फिर न बुलाएं। अगर वो इस तरह बुला सकते हैं कि मैं वजीर आजम हूँ, आप फलाने हैं, आप फलाने हैं, आइए मशवरे दे दे ताकि मैं मुल्क की फॉरेन पॉलिसी चला लूं। प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर की बात करें, फिर सब इकट्ठे हो जाएंगे, आपकी पॉलिसी सही समझ चलेगी। दूसरा पॉइंट, अब यहां पे प्लेयर्स क्लियरली आ गए, हिंदुस्तान, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और शायद सोवियत यूनियन, रूस भी, और ईरान भी आपके पलड़े में, खा कितना भी वो हिंदुस्तान कोशिश करे ईरान आपके पलड़े में आएगा, उसका कोई ऑप्शन और नहीं है। तो आप अगर अब भी सही कार्ड खेले तो मेरा ख्याल है आप इस जुए में जीतेंगे हारेंगे नहीं। अब मायूस नहीं होना चाहिए, कम अज कम एक मेजर पैगाम कौम को हम दे तो सकते हैं कि मायूसी की कोई बात नहीं। जी कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहिए आप पे। मैं जन साहब ने जो कहा कि अमेरिका इंडिया के साथ हमें हालात ठीक करने चाहिए, मैं जो यूरोप में खास करके 28 मुल्कों में और यूरोपियन यूनियन में मैं मूव करते हैं करता हूँ, नरेंद्र मोदी के होते हुए हमारी तरफ से कोई ऐसी अभी तक चीज नहीं आई है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके साबका आर्मी चीफ के जो बयानात हैं, जो वीके सिंह की, वो वीके सिंह ये कहता है कि हम इस मुल्क के लोग खरीदेंगे और इस मुल्क के लोगों से मरवाएंगे, और जो उसने बांग्लादेश में नरेंद्र मोदी ने कहा अभी एक इनका टेररिस्ट जो हमारे पास है इंटरनेशनल टेररिस्ट कुलभूषण की बात मैं कर रहा हूं, जो इंटरनेशनल कोर्ट में इंडिया उसको सन ऑफ इंडिया कह रहा है, हमारे पास हमारे घर में असल में जो वजीर साहब ने बात की हमें अपने घर में जरूरत है, अभी इंडिया की जुबान और अमेरिका की जुबान तो हमारे घर के लोग बोल रहे हैं, जब आपके घर के लोग इंडिया की और अमेरिका की बात बोलेंगे तो वो उनको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी फोर्स को या आप एक दूसरे को अपनी अदलिया को कमजोर करने की कोशिश करेंगे तो ये तो जी थोड़ी सी मैं गुजारिश करूंगा, इन्होंने बार बार ये बात छेड़ी, हम जब तक मुल्क के अंदर अगर कोई बात करता है, इन्होंने कहा कि बाहर हम टीवी पे देखते हैं, अगर आपका अपना टीवी ब्लैकआउट कर लेता है तो आपके दुश्मन तो तैयार खड़े हैं, वो फिर तो वो पिक्चर पेश करेंगे जो उनके एंगल से ठीक हो। आप मीडिया को छुट्टी दे दे कि वो पीटीएम को भी कवर करे, वो जो भी बोलता है अपने एंगल से सही कवर करे। आप कमेंट करना चाह रहे हैं? जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था जो मैंने बात की थी वो हुज्जत पूरी करने के जुमरे में कही थी कि शायद उनकी समझ में आ जाए, वरना मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि जो माहौल है इस किस्म का नहीं है। देखें वो जो इंस्टीट्यूशनल स्टैंड ऑफ है, जहाँ के आप समझें कि फौज भी आपके मुखालिफ है, नैब भी आपके मुखालिफ है, जुडिशरी भी आपके मुखालिफ है, सभी हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं, और जब याद वजीर साहब हिस्ट्री गिनवाते हैं तो उनकी जुबान पर अयूब खान का जिक्र आया है, ज़िया का जिक्र है, मुशर्रफ का जिक्र है, बाकी 70 साल सारे किसी और का उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो अगर हम ये चाहते हैं सब लोग कि हम एक इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करें, यह नहीं होने वाला। अगर हम ये माने कि हम सब में खराबियां हैं और इकट्ठे होकर सब रिफॉर्म करें, और वो जो कहा था सेनेट के चेयरमैन ने कि एक रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, ग्रैंड रिकंसिलिएशन, मैं उसका हामी हूं, उसके बगैर बात आगे नहीं चलेगी। जब तक आर्मी चीफ और वजीर आजम और आपके चीफ जस्टिस लोग शाम को बैठ के चाय का कप नहीं पिएंगे, ये बात आगे चलने वाली नहीं है। ये तो खैर बहुत ऑथेंटिक बात है जनरल साहब, ये काम करने की ये तो बहुत जरूरी बात है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैंने 3 जर्नलों के नाम इसलिए गिनवाए कि उन्होंने पावर गलत तरीके से टेक ओवर किया था, बाकी लोगों ने अगर पावर में आए हैं। जनरल साहब, आई हैव लिसन टू यू,
अगर बाकी लोग आए हैं तो वो जमहूरी तरीके से ऊपर आए हैं, गलतियां हम सबसे होती है, सबसे, लेकिन अगर आपने गलत तरीके से लिया फिर गलत काम किया तो वो ज्यादा नजर। बहुत शुक्रिया जनरल नईम खालिद लोधी साहब, आपने वक्त निकाला। परवेज इकबाल लोसर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। एम्बेसडर अयाज वजीर साहब बहुत शुक्रिया, बड़े दिनों के बाद आपने हमें वक्त दिया। रऊफ हसन साहब बहुत शुक्रिया।